तो फ्रेंड्स आज हमारे पास MSI का एक गेमिंग लैपटॉप जिसका नाम है MSI Pulse Gaming GL66। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इसका क्विक अनबॉक्सिंग, साथ में देखने वाले हैं कि इसका क्विक फर्स्ट लुक कैसा है, लैपटॉप ओवरऑल रहता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या आपको ये लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में जो कि 1,10,000 की प्राइस रेंज में आता है बाई करना चाहिए कि नहीं, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, मैं सबको आज इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। तो मेक श्योर हमारी वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स माय नेम इज अक्षित, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स ये हमारे लैपटॉप का बॉक्स कुछ इस तरीके का हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है, काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको जो इसका डिस्प्ले है वो आपको 15.6 इंच का देखने को मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्डली सब लैपटॉप में आपको इतने इंच का देखने को मिलता है। और आपकी चॉइस आप इसका कोई बड़े डिस्प्ले वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे MSI का यहाँ पे हमको लोगो देखने को मिल जाता है, साथ साथ में ब्रांडिंग यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है एक स्टाइलिश टाइप में। और अगर साइड में बात करी जाए प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत डिटेल्स देखने को मिल जाती है। बात करी जाए दूसरी साइड की तरफ तो दूसरी साइड में हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूं, मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स उसके पहले बॉक्स में से निकालने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे एक MSI का लोगो देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अनबॉक्स कर लिया है, कुछ हमें इस तरीके का अंदर ये लैपटॉप देखने को मिला है। तो फटाफट से मैं इसकी जो साइड है ये रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली ये है हमारा लैपटॉप MSI GL66 गेमिंग पल्स। तो दोस्तों अगर बात करी जाए इसके आउटर की तो यहाँ पे हमको ये कुछ मेटल टाइप का फिनिश देखने को मिल जाता है। साथ साथ में अगर थिकनेस की बात करूँ तो थिकनेस तो मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो होगी, साथ साथ में गेमिंग है। और यहाँ पे थिन सीरीज़ का हमें देखने को नहीं मिलता, तो थिकनेस जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा है। साथ साथ में हमें यहाँ पे दो फैन के वेंट देखने को मिल जाते हैं, मतलब इसमें हमको दो फैंस देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से करता हूँ मैं इसको ओपन और आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। और नीचे से हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करी जाए इसके बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी में तो मेरे को कोई भी ऐसा इशू नहीं लगा है, बिल्कुल सही बिल्ड क्वालिटी देखने को मिली है। बस साथ साथ में मैं कहूँगा काफ़ी हैवी और काफ़ी ये आपको मोटा देखने को मिल जाता है, थिक देखने को मिल जाता है। तो ये हो चुका है हमारा लैपटॉप ओपन। एक हाथ से भी अगर आप इसको ओपन करना चाहेंगे तो ये आराम से ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है उसकी वजह से भी। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की इसकी जो कीज़ है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कीज़ लेआउट काफ़ी सही मेरे को देखने को मिला है इसका। और अगर बताऊँ तो मैं यहाँ पे आपको नंबर कीज़ भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि लाइक GTA 5 गेम जिनमें आप हेलीकॉप्टर ये सब जब चलाते हैं तो यहाँ पे आपको इन कीज़ का हेल्प लेना पड़ता है। तो आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड ना कनेक्ट करना पड़े तो आप यहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ में ये आपको सारी कीज़ और देखने को मिल जाती हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ये ट्रैक पैड है आपका, जो कि क्वालिटी बहुत सही है। मेरे पास MSI का 60,000 का भी लैपटॉप है और उसके ट्रैक पैड में और उसके ट्रैक पैड में बहुत बड़ा अंतर है, सच्ची मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे ये जो मैट टाइप फिनिश है ये भी काफ़ी तकड़ा मेरे को देखने को मिल रहा है। लुकिंग जो है इस लैपटॉप की वो बिल्कुल ही अल्ट्रा लेवल की मेरे को देखने को मिली है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल कोर, यहाँ पे पावर्ड बाई GeForce RTX। यहाँ पे हमें कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस टाइप देखने को मिल जाती हैं, जो कि हैं यहाँ पे थिन बूस्ट, कूलर बूस्ट 5 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हाई रेजोल्यूशन वीडियो देखने को मिल जाती है, MSI सेंटर का हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ साथ में क्रॉस हेयर भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊँ अगर आप कोई कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई शूटिंग गेम इस टाइप से खेलते हैं वैलोरेंट टाइप, तो आप इसमें अपने स्क्रीन के आगे क्रॉस हेयर लगा सकते हैं, जैसे कि कोई अगर आप स्नाइपर रहते हैं जिसमें क्रॉस हेयर नहीं आता तो उसके लिए हेल्प कर सकता है। यहाँ पे स्कैन टू लर्न मोर, हम इसको स्कैन करके लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे HDMI का केबल भी हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ में बात करी जाए इसके अगर पोर्ट्स की तो यहाँ पे इसके कुछ USB पोर्ट्स हैं और ये आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हेडफोन जैक है जो कि कंबाइंड है, कोई अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे इसका HDMI केबल का पोर्ट है, आप यहाँ पे HDMI केबल लगा सकते हैं। यहाँ पे गीगा फाइबर का केबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बात करी जाए पीछे की साइड तो आपको कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन लुकिंग जो है पीछे की तरफ से भी काफ़ी काम करा गया है, काफ़ी इसको एक स्पोर्टी लुक दिया गया है। एक तरीके से बताऊँ तो कार के पीछे जो एग्जॉस्ट जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं उस तरीके का लुक हमें यहाँ पे इसको देखने को मिला है। सामने से भी जैसे आपको पता होगा कुछ सुपर कार्स का बोनट इसी टाइप का हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे उसको गेमिंग लुक देने की पूरी कोशिश करी गई है। साथ साथ में बात करी जाए
दूसरे साइड की तो यहाँ पे आपको एक और वेंट्स देखने को मिल जाता है जिनको और भी स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करी गई है। साथ साथ में यहाँ पे हमको दो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, और मैंने जैसे आपको पहले बताया इसकी थिकनेस वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे हमको चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर बात करी जाए इसमें हमें क्या क्या बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस टाइप की हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है, यहाँ पे एमएसआई की यूज़र गाइड हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो थिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलता है वो है इसका चार्जर। यहाँ पे चार्जर की एक साइड है, यहाँ पे आपका जो एक्सटेंडेड है वो लग जाएगा, वो एक्सटेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ साथ में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कितने वॉट का है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा 180 वॉट, 50 to 60 हर्ट्ज, यहाँ पे 100 to 240 वोल्ट्स। और अगर दोस्तों बात करी जाए इतने 180 वॉट के, तो आपको जो बिल है वो भी बहुत ज़्यादा बैठाने वाला है, क्योंकि बताया जाए तो इसमें दो आपको फैंस देखने को मिल जाते हैं, इतने तगड़े तगड़े ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। ग्राफिक कार्ड की बात अगर करी जाए तो हमको यहाँ पे 3070 देखने को मिलता है, RTX GeForce RTX 3070। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगर इसके ग्राफिक कार्ड की रैम की, तो हमें यहाँ पे 8 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, 3070 GDDR6 हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ में इसका जो वेट मैंने आपको पहले बताया काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2.25 किलो का हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ में अगर बात करी जाए इसकी रैम की, तो यहाँ पे 16 GB रैम देखने को मिल जाती है, 1 TB NVMe SSD देखने को मिलती है, 1 TB की SSD है, तो ये लैपटॉप आपका आराम से लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ साथ में अगर बात करी जाए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे हमें इंटेल 11th Gen i7-11800H देखने को मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली, काफ़ी तगड़ा में देखने को मिला है। साथ साथ में अगर बात करी जाए इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में देखने को मिलता है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर का एक QHD 165 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। तो दोस्तों 2K डिस्प्ले में इसमें देखने को मिल जाता है 165 वर्ड्स का। तो दोस्तों आपकी जो स्मूथनेस है गेमिंग के अंदर, लैपटॉप में स्क्रोलिंग के अंदर या नॉर्मल काम के अंदर, वो बहुत ही तगड़ी रहने वाली है। अगर बात करी जाए इसके स्क्रीन की थिकनेस की, तो वो भी थिकनेस मेरे को इसमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स और आपकी गेमिंग को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर जो आपका कूलिंग सिस्टम दिया गया है, वो यहाँ पर कूलर बूस्ट 5 दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके के चैम्बर्स और इस तरीके की कॉइल्स और इस तरीके के फैंस यूज़ करे गए हैं, जिससे जो आपका डिवाइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल रहे। तो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। फ्रेंड्स ये जो मेरा लैपटॉप है मैंने सेटअप कर लिया, तो दोस्तों अगर मैंने इसको अभी थोड़ी देर चलाया और उस चलाने में अगर मैं बात करूँ उसके एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों इट वॉज जस्ट फिनोमिनल, बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस आपको 165 वर्ड्स का, और साथ साथ में i7-11th Gen का एक अलग ही कॉम्बो के साथ में आपको अलग ही स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले क्वालिटी में तो मैं इसको इस रेंज में टॉप पर ही रखूंगा, चाहे वो किसी भी लैपटॉप से आप कंपेयर कर सकते हो। डिस्प्ले में मेरे को इसका बहुत ही सही देखने को मिला है। और अगर बात करें इसके कीबोर्ड की, तो जो इसका कीबोर्ड है वो आपको RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप ही कलर चेंज करता रहता है। दोस्तों बात करी जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो दोस्तों अगर मैं इसके डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन में जाऊं और यहाँ पे किसी भी क्रोम ब्राउजर में कोई भी, मैं आपको एक 4K वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर कोई तो 4K वीडियो चलाएंगे, तो वो आपको एक जो डिस्प्ले है जो कि रेजोल्यूशन 1080 का है, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, जो कि मैंने अभी अभी टेस्ट किया भी है। तो दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी में तो मैं इसको 10 में से 10 स्टार देना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन मेरे को देखने को मिला है। परफॉर्मेंस का सब कुछ मैं आपको टेस्ट करके एक डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप हमारे उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं आपका गेमिंग टेस्ट उसका लाऊं, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों एक थोड़ा सा मेरे को उसमें कमी देखने को मिली है, जो है इसमें अभी विंडोज 10 हमें देखने को मिलती है। अगर विंडोज 11 आती तो बेटर रहता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी प्रोग्राम में रजिस्टर करूंगा तो वहाँ पर डायरेक्ट विंडोज 11 का अपडेट आ जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, एक तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको इस लैपटॉप से लेकर या अदर लैपटॉप से लेकर कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी सजेशन हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना, हम उसको आपको रिप्लाई देंगे। साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जैसे हम कोई एक अमेजिंग वीडियो लाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।